पंजाब दौरे से पहले गुरुपर्व के मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में मत्था टेका। वहीं एक साल बाद केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने के फैसले को केजरीवाल ने किसानों के साथ जनता की भी इसे जीत बताई है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में 700 लोगों की मृत्यु का दुख है, इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर केंद्र पहले ही कानूनों को वापस ले लेती। आज गुरु पर्व के अवसर पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो एक साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे, आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो उन्होंने जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो अगर ये जल्दी हो जाता, 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से तीन कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गौरतलब है कि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है, जिनमें किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर केजरीवाल 20 नवंबर को पंजाब के मोगा जाने वाले हैं। वहीं उनके बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद से मुलाकात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इससे पहले गुरुवार को उनकी WWE के पूर्व स्टार ग्रेट खली से मुलाकात के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों में पंजाब में चुनाव है और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसली है। केजरीवाल ने भी पंजाब की जनता के लिए वादों की छड़ियां लगा दी हैं।